अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह खैर खैरियत से रखे। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं मटन कोरमा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उसको मैंने फ्राई कर लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, ऑयल है, इसके बाद ऑयल के साथ मैं घी भी यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, प्याज का पेस्ट लिया मैंने है हाफ प्याली जितना, लेकिन इसका अंदर पानी डाला हुआ है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये हाफ प्याली है। इसके बाद मैंने है बादाम लिया है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, 10 बड़ा बादाम है। मिल्क पाउडर है 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टी स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, मैंने गरम मसाला लिया है 1 टी स्पून, ये गरम मसाले का अंदर जायफल जायत्री भी है इसी का अंदर 1 टी स्पून, मैंने सॉल्ट लिया है साबुत, गरम मसाले का अंदर 2 तेज़पत्ता लिया है, 5-6 मैंने लौंग लिया है, 5-6 मैंने छोटी इलायची लिया है, हाफ टी स्पून मैंने शाही ज़ीरा लिया है, 1 बादियान का टुकड़ा, 2-3 इलायची है मेरे पास, हाफ टी स्पून मैंने वाइट पेपर का पाउडर लिया है। चूल्हा मेरा ऑन है, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और ये पतीली में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी के अंदर मैं 2 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जितना मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं मटन डाल दूँगी। घी मेरा गर्म हो गया है, अभी जो मेरे पास साबुत मसाला है गर्म मसाला वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटन ऐड कर रही हूँ। मैं इसके अंदर घी और तेल गर्म होने के बाद मैंने मटन इसके अंदर डाल दिया है। अभी इसके अंदर मैं ऑयल के अंदर ही मैं इसको भून लूँगी थोड़ा। और जो मेरे पास बादाम है इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, और जो प्याज है इसको मैं पेस्ट नहीं बनाऊँगी, मैं हाथ से इसको चूरा कर लूँगी। मैंने मटन को तेल के ऊपर भून लिया था, अभी थोड़ा पानी छूटा है तो मैं इसको कवर करके मैं 10 मिनट तक इसको मैं पका लूँगी जब तक पानी नहीं सूखे। गोश्त का पानी एकदम ड्राई हो गया है, अभी इसके अंदर मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी। और इसके बाद प्याज जो ग्राइंडेड मैंने प्याज पीस के रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। दोबारा दोनों चीज़ मैं गोश्त के साथ भून लूँगी। प्याज का पेस्ट अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको भून लिया है। अभी इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, अभी इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर मैं डाल दिया। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी, ये पानी मेरा बॉयल वाटर है, कभी भी गोश्त के अंदर ठंडा पानी ऐड नहीं करना चाहिए तो गोश्त गलता नहीं है जल्दी, हमेशा आप बॉयल वाटर ही गोश्त के अंदर डालेंगे ऐड करेंगे। अभी इसको मैं भून लूँगी। अच्छी तरह से भून के थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी इसको, अभी थोड़ा कवर कर लेती हूँ, बाद में इसको मैं भून लूँगी। इसको मैंने भून लिया है, अभी इसके अंदर दोबारा मैं पकने के लिए मैं एक जग भर के पानी, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, मैं पानी डाल के मैं इसको पका लूँगी गलने के लिए, कि वो ये मटन इतना जल्दी गलता नहीं है। अभी इसको कवर करके गलने के लिए रख दूंगी, 2 मिनट में फुल आंच पे रखूंगी, बाद में मैं स्लो आंच पे थोड़ा रख पका लूँगी। बिस्मिल्लाह, 45 मिनट तक मैंने स्लो आंच पे पकाया, पहले 2 मिनट तक मैंने फुल आंच पे पकाया था, बाद में मैंने स्लो आंच पे पकाया था,
अभी इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। अब जब भी दही ऐड करें चूल्हा बंद करके थोड़ा सा ठंडा करके डालें तो दही से गट्ठा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर देती हूँ। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया, एक मिनट के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। ठंडा हो गया है, अभी तेज़पत्ता का कुछ काम नहीं है, मैं इसको निकाल देती हूँ। अभी इसके अंदर से दही मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, अभी दही डाल के मैं जल्दी जल्दी इसको हिला लूँगी। अभी भी मेरा चूल्हा बंद है, नहीं तो दही का गट्ठा बन जाता है, इसलिए मैं अच्छी तरह से इसको हिला के बाद में मैं चूल्हा दोबारा मैं ऑन करूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिला लिया है, अभी इसको मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, अभी भी स्लो पे रखूँगी, एक साथ एकदम फुल नहीं करूँगी और हिलाते जाऊँगी थोड़ा। अभी मैं इसके अंदर जो बादाम मैंने पीस के रखा था वो मैं ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बादाम। अभी इसको भी थोड़ा मैं भून लेती हूँ। अभी मैंने थोड़ा भून लिया है, अभी जो मेरे पास फ्राई प्याज है मैंने फ्राई करके रखा था उसका मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भर के। टू टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, अभी इसको दोबारा भून लूँगी। आखिर में इसको इसके अंदर मैं दूध मिलाऊँगी, जो मेरा दूध पाउडर है उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा मैं इसका पेस्ट बना लूँगी दूध पाउडर का। इसको मैंने भून लिया है, अभी दोबारा मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ऐड करके मैं 15 मिनट तक इसको पकाऊंगी। मुझे जितना ग्रेवी रखना है अभी वो हिसाब से मैं रख लूँगी। अभी स्लो आंच पे मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी, इसके बाद जो मैंने दूध है उसका पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अभी मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ, स्लो आंच पे थोड़ी देर में 15 मिनट तक अभी पकाऊंगी। पंद्रह मिनट तक मैंने दोबारा स्लो आंच पे पकाया, अभी इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूँगी। पाउडर दूध को मैंने पानी डाल के पका लिया था, पंद्रह मिनट तक मैंने इसको दोबारा पका लिया। अभी इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर में पानी के अंदर डाल के इसका मिल्क बना लिया था, अभी इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, दोबारा मैं स्लो आंच पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, कवर कर देती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा हो गया है कुरमा, मटन कुरमा। अभी इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड करके बाद में इसको मैं दम पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा केरा वाटर डाल रही हूँ इसके अंदर में, अभी इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, कवर करके। मटन कोरमा मेरा एकदम रेडी है, मैंने 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था, अब एकदम रेडी है। मैं अभी आपको डिश आउट करके बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। नाज़रीन, ये हमारा मटन कोरमा बिल्कुल तैयार है।
इसी रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएं अपने घरों में, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।